मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 11 बजे से, क्योंकि अभी तक मैंने अपने काम हम ख़त्म करे, उसके बाद मैं आई मायके तो देखा यहाँ भी अंदर कोई नहीं था, मम्मी को ही ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ है। और आज मैं आपको अपना मायका दिखाती हूँ। यह है मेरे मायके का घर, ये सेकंड रूम है, ये है मंदिर, हाँ जी, एंड थर्ड है, ये है मेरे बाहर का रूम। सो गाइस, मेरे पापा बहुत मिस करते हैं आने के बाद, तो क्या कर सकते हैं, वापस तो आ नहीं सकते हैं। सो गाइस, याद ही कर सकते हैं हमें। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ मायके का गार्डन। ये है मायके का गार्डन। और सो गाइस, आपको पता है ये ना मेरे पापा को बहुत फूलों का बहुत शौक़ था, तो पापा ने मतलब स्पेशली गार्डन में उनकी चॉइस हमेशा रही थी, तो उन्होंने गार्डन भी बनवाया था और काफ़ी एरिया में था ये, मतलब उन्हें फूलों से बहुत प्यार था। फूल वगैरह उन्हें इतने अच्छे लगते थे कि वो मतलब हमेशा कहीं भी जाते थे तो फूल तरह तरह के फूल लाना, इतना घर पे लगाना बहुत अच्छा लगता था। आपको हर तरह के फूल मिलेंगे यहाँ पे, और आप वीडियो में देख ही सकते हो कितना अच्छा। और ये आई मेरी माँ, जिसे मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी, तो ये आ चुकी है। और आ जाइए इनकी नई भैंस, और वो भैंस मैंने देखी तो फिर इनके हो रहे थे बहुत सारे आम लगे हुए पेड़ में, इन्हें चिड़िया खा खा के फिरा रही है। सो गाइस, मैंने थोड़ा बहुत कैचअप कर लिया, एंड ये था दूसरी तरफ भी इनका थोड़ा सा बगीचा हुआ है। फिर ये मम्मी गेहूँ वो कर रही, बता रही थी, मतलब साफ कर रही थी, तो फिर ये इस तरीके से थोड़ा हवा अच्छी चली थी तो वो बता रही थी। फिर ये चल रही टी वी, जो कुछ टी वी देख रहा हुआ देख रहा था, और ये मैं फिर मम्मी ने हमारा पहाड़ी खाना, आलू टमाटर की सब्जी खा। सो गाइस, मम्मी याद करना बहुत ही टेस्टी लगता है, अच्छा खाना चाहिए सभी लोग। फिर मैंने कहा मम्मी से छोड़ चल, मैं अपना बर्तन धो लेती हूँ, बर्तन को धो लेती हूँ, मम्मी को बोला मैंने आराम करना है, करती हूँ, बड़ा बर्तन पड़ती हूँ धोए, और एंड टाइम पे ना पानी रुक जाता है इनका धूप में, फिर पानी ऐसे मम्मी ने बर्तन ला के मुझे दिया, मैंने फटाफट बर्तन धोए। और आप देखे हो कि मैंने गैस वगैरह साफ से आम का टक्कर दिया हुआ था, तो लाई लाई सच में ना बहुत टेस्टी हो रहा था। और ये आप देख सकते हो मेरी किचन साफ हो चुकी है एकदम क्लीन। और फिर कोई मेहमान आए तो मिठाई आई थी, तो रसगुल्ला खाया। सो गाइस, मेरे ब्लॉग में बने रहो। हेलो गाइस, अब मैं थोड़ा देर सोई थी, सो के उठी, तो गाइस मैंने उठ के चाय पी ली है, और अब करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। सो अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।